दोस्तों चाइना पहुंची गायकवाड़ की सेना, इन 15 युवाओं ने भरी उड़ान। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन ये 15 युवा खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप ये टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि जहां पे अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम गुरुवार को एशियन गेम 2023 में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से चीन के लिए रवाना हो गई है। जी हां, जहां भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 3 अक्टूबर को करेगी। लेकिन ऐसे में जहां साई ने अपने एक्स पहले ट्विटर पर भारतीय टीम के मुंबई से चीन के रवाना होने की फोटो शेयर की, तो वहीं साई ने लिखा कि पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2023 के लिए तैयार है और भारतीय टीम मुंबई एयरपोर्ट के हांगझाउ के लिए रवाना हुई। जी हां, हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं बता दें कि आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान टॉप 5 रैंक वाली टीम है, इसलिए इन्हें शीर्ष वरीयता दी गई है और इन टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिलेगी और भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जीतने का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। तो ऐसे में आइए आपको बता दें कि जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को एशियन गेम के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, तो वहीं यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह मिली है। वहीं शिवम दुबे भी टीम इंडिया की वापसी हुई है। तो वहीं आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन पेश करने वाले रिंकू सिंह भी अपना जलवा बिखेरते नजर आने वाले। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं इनके पूरे स्क्वाड पर। जी हां, जहां आपको बता दें कि इसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, तो वहीं इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल, वहीं आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी को मौका मिला है, तो वहीं तिलक वर्मा होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड रिंकू सिंह होंगे, जिसके बाद यहां पर जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर होने वाले हैं ऑलराउंडर में, तो जहां शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, तो वहीं दोस्तों गेंदबाज आवेश खान, अर्जदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे और आपको बता दें कि प्रव सिमरन सिंह होने वाले हैं। तो ये दोस्तों वो 15 खिलाड़ी जो एशियन गेम्स के लिए चाइना रवाना हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड जीत पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।